हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रोशन चतुर्वेदी। आज हम लोग, आप देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी एंड्रॉयड प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लैश स्क्रीन बनाते कैसे फॉर अ न्यू बिगनर, जो नए नए ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में आना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोग एक सिंपल तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम बताएंगे कि स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिज्नी और नेटफ्लिक्स दोनों आपको एक लोगो दिख रहे हैं, एक स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पे एक तरफ डिज्नी एक तरफ नेटफ्लिक्स है। अभी आप चाहे नेटफ्लिक्स ले लो, चाहे डिज्नी ले लो, चाहे व्हाट्सएप ले लो, चाहे इंस्टाग्राम ले लो, या फिर अमेज़ॉन ले लो, या फिर मीशो ले लो, मिंत्रा ले लो, दुनिया के जितने भी ऐप्स हैं सब अपने कंपनी आपके प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं कि उनके ऐप के अंदर क्या चीज़ें हैं। ओके, इसीलिए हम लोग स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। तो पहला फंडा ये होता है कि स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है। आप अभी मेरे लाइव नोट्स पे जा सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है? कोई भी एक ऐसा स्क्रीन जहाँ पे आपके ऐप के बारे में, एक अंदर क्या होने वाला उसके बारे में एक आइडिया दे दे, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। सो यू कैन सी वी हैव अ डेफिनेशन विच, व्हाट इज़ अ स्प्लैश स्क्रीन? इट इज़ नथिंग बट प्रोवाइड अ सिंपल इनिशियल एक्सपीरियंसेस वाइल योर एंड्रॉयड ऐप लोड। जब तक ऐप लोड होगा तब तक आपको बता देगा कि ये ऐप के अंदर है क्या। सेकेंड, अभी आप ये सोच रहे होगे कि स्प्लैश स्क्रीन सर आके तो चला जाता है 2 सेकंड में, तो उसका रोल क्या है? उसका रोल एकदम सिंपल है। वो क्या करता है? बस आपको ब्रांडिंग करता है, आपके ऐप की ब्रांडिंग करता है। जब भी आप देखोगे वो हमेशा एवरी टाइम आपके ऐप में लोड नहीं होता है। अब एवरी टाइम आपका स्क्रीन दिखता नहीं है बार बार स्प्लैश स्क्रीन, तो एक ही टाइम आएगा। उसके बाद जब आप डिस्ट्रॉय कर दोगे ना आपके बैकग्राउंड से, तो वापस से ओपन करोगे तो वापस से आपको आपका स्प्लैश स्क्रीन दिखता है। तो अभी आप सोच रहे होगे सर इसकी स्टेप्स क्या है? सिंपल स्टेप्स है, टोटल 3 स्टेप्स है इसके। पहला स्टेप है कि आप एक एक्टिविटी बनाइए जिसमें आपका एक XML फाइल होगा, एक जावा फाइल होगा। सेकंड स्टेप है कि आप कोई भी कंपनी का लोगो, कोई भी कंपनी का लोगो आप आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्राइबल फोल्डर या मिपमैप फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। और आपका जो थर्ड स्टेप वो ये है कि आपको आपके जावा फाइल में, जो एक्टिविटी का जो जावा फाइल है वहाँ पे कुछ कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ कोड आपको लिखने पड़ेंगे जिससे एक स्क्रीन से चीज़ें दूसरे स्क्रीन पे जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा इंस्टेड ऑफ मेरे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स से। सो आप देख सकते हैं मैं अपने स्क्रीन पे जा रहा हूँ, और मेरे स्क्रीन पे सबसे पहला मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो पूरे ऑल ओवर प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और वो पहला प्रोजेक्ट से, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपको फ़ोन और टैबलेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको टैम्पलेट मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि पहले आप एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सिलेक्ट करें, खाली स्क्रीन आपको चाहिए, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपके एप्लीकेशन का नाम डाल दें। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा UI and UX। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इलीगल कैरेक्टर। मतलब जब भी आप एप्लीकेशन का नाम दे तो आप फॉरवर्ड स्लैश कभी भी यूज़ ना करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये हटा दूँगा। ये आपके एप्लीकेशन का नाम हो गया, ये आपके पैकेज का नाम हो गया। पैकेज क्या होता है? पैकेज बेसिकली जब भी आप कोई भी ऐप प्ले स्टोर पर जाता है, हर एक ऐप का अपना यूनिक पैकेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर ऑल्सो, जिससे कोई भी ऐप जाना जाता है। व्हाट्सएप का अपना एक पैकेज है, इंस्टाग्राम का अपना एक पैकेजेस है। तो पैकेजेस में क्या चीज़ें होती है कि पैकेजेस में सबसे पहले आपके कॉम रहेंगे, सेकंड आपका जो भी बोलते हैं ना कंपनी का नाम या फिर जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और थर्ड में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव होगा वो सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज है, मिनिमम SDK है। अभी ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी है, चाहिए तो आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं तब तक मेरा UI UX का जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश हो रहा है। तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। A few moments later. सो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया हूँ UI UX नाम से, उसके में मैंने एक जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उन लोगों का जो आप एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट सिलेक्ट किए थे ना, तो उसमें आपने नाम दिया था कि मेरे एक्टिविटी का नाम रहेगा मेन एक्टिविटी। तो उन लोगों ने ना एक मेन एक्टिविटी बना दिया। अभी आप समझ सकते हैं मेन एक्टिविटी होता क्या है। मेन एक्टिविटी मतलब एक सिंपल स्क्रीन, मेन एक्टिविटी मतलब सिंपल स्क्रीन नहीं बोल सकता,
आई कैन से दैट जो एक्टिविटी होती है उसको स्क्रीन बोलते हैं। जैसे वेबसाइट में पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे पेजेस होते हैं, उसको बोलते स्क्रीन ना। उस हिसाब से हमारे ऐप में, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में एक्टिविटी मतलब होता है स्क्रीन। तो अभी हम लोग ने एक मेन एक्टिविटी बना ली है, तो अगर हम लोग को एक स्प्लैश एक्टिविटी बनाना है तो हमें क्या करना है? सिंपल फंड है ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। इसके बारे में अगर आपको जानना, हमारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैं स्प्लैश एक्टिविटी बनाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक मारता हूँ, न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी आपको दिखेगा। आराम से जाइए एम टी वी एक्टिविटी वी टेम्पलेट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर ना आपके एक्टिविटी का नाम लिख दीजिए, स्प्लैश एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना स्प्लैश एक्टिविटी नाम रख दिया। उसका एक XML फाइल भी बन गया जिसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश। स्प्लैश एक्टिविटी आपके UI UX का जो पैकेज है उसके अंदर रहेगा, और जहाँ पे आपका एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश है ये आपके रिसोर्स के लेआउट फोल्डर में रहेंगे। तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, जो आपका स्प्लैश एक्टिविटी वो आपके पैकेज के अंदर रहेगा com.training.UI UX के अंदर, वेर एज आपके जो XML फाइल है स्प्लैश का वो आपके लेआउट फोल्डर में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे लेआउट फोल्डर में स्प्लैश आ गया है। तो अभी क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं हम लोग, इस सेक्शन को अभी के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन करेंगे स्प्लैश स्क्रीन। अभी मैं नेटफ्लिक्स जैसा स्प्लैश स्क्रीन आपको बना के दिखाऊंगा, और डिज्नी जैसा आपको मैं होमवर्क दूंगा जो आप कर सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, वो आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी डिफ़िकल्टी आएगी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल लेआउट लेता हूँ। लेआउट के बारे में मैं आगे लेक्चर में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, लेकिन अभी जो मैं लेआउट यूज़ करने वाला हूँ वो है लीनियर लेआउट। लीनियर भी ले सकते हैं या फिर रिलेटिव भी ले सकते हैं, जो भी आपके चॉइसेस में है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एक काम कर देता हूँ, रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रिलेटिव लेआउट ले लिया। अभी लेआउट होता क्या है, सिंपल फंडा में अगर मैं बताऊँ, लेआउट मतलब एक ढांचा होता है। लेआउट मतलब क्या हुआ, एक ढांचा। जैसे ये बॉटल है, बॉटल का भी एक ढांचा है, राइट। लैपटॉप है, लैपटॉप का भी एक ढांचा है, मतलब उसका विड्थ है और उसका हाइट है, उसको हम लोग बोलते हैं ढांचा। अब आप दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि लेआउट तो मैं समझ गया, लेकिन हम डिज़ाइनिंग XML में क्यों करते हैं? सिंपल फंडा है, जब भी आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में आपका जितना भी यूज़र इंटरफेस है, UI UX है ना, वो आपके .XML फाइल में डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर लेआउट्स अवेलेबल है और लेआउट्स के अंदर विजेट्स होते हैं और विजेट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज है, मैं आपको नेटफ्लिक्स बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए, नेटफ्लिक्स के बैकग्राउंड में जो कलर है वो ब्लैक कलर का है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका लेआउट है, क्या जो इसका लेआउट है उस लेआउट का मैं बैकग्राउंड कलर पहले चेंज कर देता हूँ। तो जब भी आपको किसी भी लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए एक विजेट है जिसका नाम है बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहिए तो आप @color_black डाल के हाइफन, आप चाहिए तो आप कलर forward/black डाल के आप आपका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को कलर कोड याद भी नहीं है, अगर आपको कलर पता नहीं है कलर कहाँ स्टोर करना है, तो उसके लिए एक और सिस्टम फंडा, आप हैशटैग यूज़ करो, आप हेक्सा कलर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 00 डाल दूंगा, तो 00 आपका ब्लैक कलर होता है और FFF जो होता है वो आपका वाइट कलर होता है। अब जितने भी कलर कॉम्बिनेशन है सब इसी के बीच में रहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इमेज डालते हैं, क्या डालते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड तो मैंने ब्लैक कर दिया, लेकिन नेटफ्लिक्स का इमेज तो है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक इमेज डाल देता हूँ, इमेज व्यू ले लेता हूँ। इमेज व्यू मैंने विजेट्स यूज़ कर लिया। इमेज व्यू में जब आप इमेज व्यू का विजेट यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि आपका विड्थ क्या है, आपका हाइट क्या है। इमेज व्यू अगर हमें दिखाना है तो डेफिनेटली हमें उसका विड्थ और उसका हाइट हमें बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं विड्थ, दो टाइप के होते हैं, आप जब भी विजेट्स के साथ खेलेंगे ना तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में दो टाइप एकदम फिक्स होता है जो किसी भी ऐप में चलता है या फिर रेस्पॉन्सिव करता है आपके डिज़ाइन को। एक होता है मैच पैरेंट और दूसरा होता है आपका व्रैप कंटेंट। मैच पैरेंट मतलब क्या, मैच पैरेंट मतलब
जैसा मैं आपको यहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, मैच पेरेंट मतलब अगर मैंने विद को बोला मैंने मैच पेरेंट, तो मैच पेरेंट मतलब आपके फ़ोन के हिसाब से वो जगह लेगा। किसके हिसाब से? फ़ोन के हिसाब से। अगर आपका फ़ोन बड़ा है, अगर आपका फ़ोन विथ में छोटा है तो उतनी जगह लेगा मैच पेरेंट, अगर बड़ा है तो विथ में उतनी जगह लेगा। जैसे सैमसंग फोल्ड, अगर आप फोल्ड मोबाइल देखेंगे उसका जो विथ है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने विथ को मैच पेरेंट कर दिया, और आपके हाइट को मैंने कर देता हूँ रैप कंटेंट कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे यहाँ पर चाहिए इमेज। अभी इमेज आप स्टोर कैसे करेंगे? सिंपल फंडा है, आपको कोई भी इमेज आपको आपके प्रोजेक्ट में डालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेटफ्लिक्स लोगो, तो नेटफ्लिक्स का लोगो आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे नेटफ्लिक्स का लोगो आ गया है, राइट। ये हमारा PNG लोगो है, तो मैं इसको एक डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेटफ्लिक्स _ लोगो। तो मैंने यहाँ पे मैंने नाम यहाँ पे सेव कर लिया हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जब भी आपको कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स में इमेज डालना है किसी नेट से उठा के, या कोई आपको क्लाइंट बोलता है कि ये इमेज आप मेरे ऐप के अंदर डाल सको, एकदम सिंपल है, वो इमेज को उठाओ और उस इमेज को जाके आप ड्राइबल फोल्डर में डाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं रिसोर्स के अंदर ड्राइबल फोल्डर है, ड्राइबल फोल्डर में मैंने इमेज को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लोगो डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अभी मेरे ड्राइबल फोल्डर में इमेज जाके स्टोर हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मुझे इमेज दिखाना है इमेज व्यू में, तो उसके लिए आप SRC यूज़ कर सकते हो। और SRC में अब सिंपल फंडा है, SRC होता क्या है, सोर्स फोल्डर होता है। तो हमें इमेज व्यू के विजिट्स को बताना पड़ता है कि ये जो इमेज है ये इस फोल्डर के अंदर स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे @color था वैसे यहाँ पे @drawable है। तो हमें बताना पड़ता है, इंडिकेट करना पड़ता है कि मेरा इमेज आपको अगर उठाना है तो आप drawable फोल्डर से उठाओ। तो मैं @drawable डाल के नेटफ्लिक्स _ लोगो में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा लोगो जो है एकदम सेंटर में आ चुका है। अब इसको तो मैंने मैच पेरेंट रैप कंटेंट दे दिया था, लेकिन कभी कल क्या होता है ना, कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे इमेज ना इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा इमेज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके विथ को ना मैन्युअली भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विथ को डाल देता हूँ 100 dp, और यहाँ पे भी विथ को मैं डाल दिया 100 dp। तो आप देख सकते हो मेरा इमेज कितना हो गया, छोटा हो गया। अब इस इमेज को मुझे सेंटर में डालना है, तो रिलेटिव लेआउट में कोई भी विजेट अगर आप रिलेटिव लेआउट के अंदर यूज़ करोगे ना, तो उसमें एक एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर इन पेरेंट। तो मैं सेंटर इन पेरेंट यूज़ करके यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो रिलेटिव लेआउट है उसका जो विथ है मैच पेरेंट है, हाइट भी मैच पेरेंट है। अब उसके लेआउट के बीच में, एकदम बीचों बीच में मैंने अपने इमेज को सेट कर दिया हूँ। अगर आपको विथ थोड़ा छोटा लग रहा है दोस्तों, तो मैं इसको 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 200 कर दिया, अभी ये थोड़ा सा डिसेंट सा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से आपके विथ को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये तो ये बताया कि आप XML में स्प्लैश स्क्रीन बनाते कैसे हैं, ओके। लेकिन ये तो आपका 2 स्टेप्स हुआ। आप मेरे नोट्स पे अगर भी देखेंगे तो हमने अभी तक एक्टिविटी बना ली है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। हमने ड्राइबल में लोगो सेव कर लिया है, हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है कि हम अपने एक्टिविटी के जावा फाइल में कुछ कोडिंग करेंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो मैं वो चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ। अब सिंपल फंडा है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप XML में अगर कोई भी आप एक्टिविटी बनाते हो, उसके XML में आपने डिज़ाइन किया हो, तो उसका जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो उसी के जावा फाइल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं splash.xml में डिज़ाइन कर लूँ और मैं जाके मेन activity.java फाइल में कोडिंग कर लूँ, ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप करोगे तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। फिर भी अगर मेरे पर आपको डाउट हो रहा है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल फंडा है, हम इसके splash.activity.java फाइल में जाते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में अगर बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो सी लिखा है यहाँ पर, तो आप सी पे, आप सी मतलब कुछ और मत समझिएगा, आप सी पे भी क्लिक करके आप splash.activity.java फाइल में जा सकते हैं। तो जिन्होंने भी अगर जावा पढ़ा है, जिन्होंने भी आज तक, क्योंकि जब आप ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में जा रहे हैं ना, स्पेशली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, तो आपको जावा का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड का, वो 2 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, एक होता है जावा और एक होता है आपका कॉटलिन, जो कि कॉटलिन आजकल ऑफिशियल लैंग्वेज होने जा रहा है। बट
मेरा सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा जावा का नॉलेज ले लें। अगर आपको मेरा जावा का अंडरस्टैंडिंग समझना है तो हमारे जावा के प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, क्लास क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं। तो अभी मैं बिगनर के लिए एक सिंपल फंडा बता देता हूँ क्या है। स्प्लैश एक्टिविटी बेसिकली आपका क्लास फाइल है, वो किसको एक्सटेंड किया है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो कोई भी आप एक्टिविटी क्रिएट कर लो वो किसको एक्सटेंड करेगा, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो एक्सटेंड क्या हुआ, एक्सटेंड मतलब हो गया इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी आपकी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में जितना भी फीचर या फंक्शनैलिटी, वो कहाँ चली जाएगी, स्प्लैश एक्टिविटी में चली जाएगी। अब जो सेकंड आप नीचे देख रहे हो, एक ऑन क्रिएट मेथड है। फर्स्ट टाइम अगर आपका ऐप ओपन हो रहा है तो उसमें ऑन क्रिएट मेथड आपको सबसे पहले कॉल होता है। तो मैंने इस बारे में एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बारे में बता चुका हूँ, एक्टिविटी लाइफ साइकिल होते क्या है, उसमें कितने प्री डिफाइंड मेथड्स है जिनको हमें ओवरराइड करना पड़ता है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं सेट कंटेंट व्यू के अंदर, हम कुछ सेट ऑफ कोड लिखते हैं। अभी हमारा जो मेथड है वो ऑन क्रिएट है। ऑन क्रिएट में आप देख सकते हो सेट कंटेंट व्यू करके एक मेथड कॉल किया गया, और उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट या फिर एक वैल्यू पास किया आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी डॉट स्प्लैश। तो ये क्या किया है ना, ये आपके XML फाइल को और आपके जावा फाइल को कनेक्ट करने का काम किया है। जैसे आप भी जान सकते हैं जोड़ियाँ बनाना भगवान का खेल है, भगवान की देन है, उसी हिसाब से अगर आप कोई एक्टिविटी आप क्रिएट करते हो तो XML और जावा अपने आप कनेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेथड विच इज कॉल्ड एज सेट कॉन्टेंट व्यू। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे ना एक सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है न्यू हैंडलर। न्यू हैंडलर नहीं बोल सकते, हैंडलर यू कैन से। हैंडलर बेसिकली है क्या, हैंडलर क्या करता है, आपके जितने भी एक्टिविटी है ना वो सारी चीज़ों को वो हैंडल करके रखता है कि कब उसको जाने देना है दूसरे चीज़ें, कब उसको रोकना है। तो न्यू हैंडलर आप यूज़ करोगे डॉट पोस्ट डिले। तो आप पोस्ट डिले में आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट डिले का दो मेथड्स है। अभी मुझे जो कॉल करना है मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है, क्योंकि मुझे बताना है कि ऐप अगर मुझे दूसरे स्क्रीन पे कहाँ भेजना है, तो मैं ये पोस्ट डिले कॉल करूँगा, और उसमें दूसरा जो वैल्यू पास किया वो उन लोगों ने मिलीज में पास किया गया है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। एसी क्यों बंद है भाई, गर्मी लग रहा है बहुत, मत करो कैमरामैन, समझे, मत करो। ओके, तो न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले हमने ये मेथड कॉल कर चुके हैं। अब इसमें हमने को दो चीज़ें पास करनी है, एक रनेबल है डिले मीन्स। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ न्यू रनेबल। जब मैं ये न्यू रनेबल इंटरफेस को मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो इसके साथ एक मेथड हमें ओवरराइड करना पड़ता है जिसको बोलते हैं वॉइड, पब्लिक वॉइड रन। तो इंटरफेस क्या होता है ये भी आप मेरे जावा के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी ये एरर दे रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पोस्ट डिले में रनेबल तो पास कर दिया लेकिन मैंने सेकंड नहीं पास किया। तो मुझे कितने टाइम के लिए मेरे इस एक्टिविटी को रोक के रखना है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा, जो कि आप मिली सेकेंड में पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 3000 मिली सेकेंड विच इज़ नथिंग बट अ 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तक मेरा जो स्प्लैश एक्टिविटी वो रुका रहेगा, और जैसे 3 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तब वो चला जाएगा दूसरे एक्टिविटी में। तो एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको दूसरे एक्टिविटी में जाना है ना तो उसके लिए एक सर्विस है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंट सर्विस। तो इंटेंट सर्विस बनता कैसे है, तो इंटेंट सर्विस से ना हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इंटेंट बेसिकली एक क्लास है, उससे हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इंटेंट सी इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। तो आप देख सकते हो मैंने क्लास से क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते ये भी आपको जावा की प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे। अभी इसके अंदर मुझे कौन सी स्क्रीन से कौन सी स्क्रीन जाना है, तो सिंपल फंडा है, मुझे स्प्लैश एक्टिविटी वाले स्क्रीन से मुझे जाना है कौन से स्क्रीन में, मेन एक्टिविटी डॉट। तो मैंने मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पास कर दिया गया, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। चलो मैंने क्लास से ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बट अगर मैं जब तक इसको स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को कॉल ही नहीं करूँगा तब तक वो जाएगा ही नहीं,
वो दूसरी जगह पे जाएगा। जैसे एक गाड़ी होती है, आप चाबी लगा लोगे तो थोड़ी ना गाड़ी चालू हो जाती है, आपको चाबी लगाने के बाद आपको गाड़ी को ऑन करना पड़ता, फिर आपको क्या बोलते हैं क्लच, फिर ब्रेक, एक्सीलेटर, ये सबको चालू करने के लिए फिर आप गाड़ी चालू होती है ना। तो यहाँ पे जब आपको आपको दूसरे एक्टिविटी में भेजना है तो उसके लिए एक मेथड कॉल करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट एक्टिविटी। और स्टार्ट एक्टिविटी में जो आपने जिस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया था उसको आप कॉल कर सकते हो, उसके फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम आप पास कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं मेरा ये चीज़ रेडी हो गया है। मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मैनिफेस्ट में ये जो इंटेंट फिल्टर है ये मैं जाऊँगा स्प्लैश एक्टिविटी में डाल दूँगा। आपको मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि मैनिफेस्ट में क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं और इंटेंट फिल्टर क्या होता है और मैं क्यों इंटेंट फिल्टर को यहाँ पर डाल रहा हूँ। एक सिंपल टर्म में बोलूँ, जो भी एक्टिविटी आपको सबसे पहले चाहिए, आपको ये इंटेंट फिल्टर का जो सेट ऑफ कोड है ना, ये आपको उस एक्टिविटी के सेक्शन में डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा कोड है, वो मेरा कोड जो थर्ड स्टेप है वो भी मेरा डन हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और आपको सिमुलेटर में आपको उसका आउटपुट दिखेगा। तो अगर आपको कोई भी ऐप रन करना है तो आप प्ले बटन आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपका, यहाँ पर मेरा रनिंग डिवाइसेस दिख रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, कनेक्टिंग टू सिमुलेटर हो रहा है तो कनेक्ट होने दीजिए, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिस्टम है, सिस्टम मशीन है, मशीन टाइम लेने वाली है, अभी क्या कर सकते हैं उसमें हम। तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरा सिमुलेटर चालू हो गया है। ओके, और यहाँ पे मैं वापस से रन कर देता हूँ। अभी आप देखिए मेरा नेटफ्लिक्स का जो लोग है वो आपको सबसे पहले दिखेगा, फिर जैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब वो दूसरे एक्टिविटी में चले जाएगी। दिख रहा है आपको, फिर हमने आ गए दूसरे एक्टिविटी में। तो ये बेसिकली आपका था स्प्लैश स्क्रीन बनाते कैसे हैं, स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन कैसे किया जाता है। मैंने स्प्लैश स्क्रीन में अभी तक आपको बस नेटफ्लिक्स बनाना सिखाया हूँ, लेकिन आप चाहिए तो आप स्प्लैश स्क्रीन में डिज्नी का भी बना सकते हैं। कमिंग वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्प्लैश स्क्रीन एनिमेट कैसे किया जाता है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, या फिर उसमें कुछ एनिमेशंस कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कमिंग वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय श्री राम। और मैंने जो असाइनमेंट आपको दिया हूँ वो आप करिए, कुछ भी डाउट है आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अगर आपको कोई भी पर्सनल वन टू वन चैट करना है तो आप मेरे नंबर पर भी आप मुझे कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। अभी के लिए मिलता है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, शब्बा खैर।